हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लूटामाइन के बारे में, एल ग्लूटामाइन, जिसको ग्लूटामाइन को एल ग्लूटामाइन भी बोलते हैं। सो टॉपिक हम इस तरह से लेंगे कि डज इट हेल्प टू इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम, डज इट हेल्प टू इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ, योर स्टेमिना, और कितना इनटेक लेना चाहिए। और अगर आप एल ग्लूटामाइन सप्लीमेंट नहीं ले सकते हैं तो कैसे, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनके थ्रू आपको ग्लूटामाइन की क्वांटिटी अच्छी रेशियो में मिल सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने लिए हैं उनको मैं कैसे कैसे धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ उसके बारे में। वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ग्लूटामाइन होता क्या है, ठीक है। ग्लूटामाइन एक एमिनो एसिड होता है जो कि प्रोटीन कि बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है, ठीक है। हमारी बॉडी को प्रोटीन बहुत जरूरत होती है। सो जब आपका मसल टिश्यू, सबसे पहला जो टॉपिक था कि डज इट हेल्प टू इंक्रीज द मसल साइज, यस डेफिनेटली आई हैव इम्प्लीमेंटेड दैट। मैंने ग्लूटामाइन लिया था, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, बट आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड एवरीथिंग। सो क्या होता है कि जब आप हैवी वर्कआउट करते हो, आपके मसल टिश्यूज, आपके जो टिश्यूज होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है। ब्रेकेज होने के बाद आपका क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट जब बहुत ज़्यादा होती है आपकी, या फिर हैवी वेट करते हैं, तो हमारा मसल का जो टिश्यूज होते हैं वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। उनको ग्रोथ करवाने के लिए एल ग्लूटामाइन बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, बिकॉज हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ग्लूटामाइन रिप्रोड्यूस भी करती है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर के सोर्सेज से ले सकते हैं, हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, बट एक लेवल तक करती है। जब हम इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट ज़्यादा कर देते हैं तो उसका लेवल कम हो जाता है और हमें बाहर के सोर्सेज से वो प्रोटीन को, वो सप्लीमेंट्स के थ्रू ग्लूटामाइन को लेना पड़ता है, जिससे कि हमारी मसल रिकवरी अच्छे से हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि डज इट हेल्प टू इंक्रीज आर इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यस डेफिनेटली। जो ग्लूटामाइन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। जब हम कभी बीमार होते हैं या फिर हमने कुछ ऐसा चीज़ें खराब खा लिया तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम खराब होने की वजह से हम अपना डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एल ग्लूटामाइन एक ऐसा सप्लीमेंट होता है, ऐसा सोर्स होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो लास्ट पॉइंट में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते तो फूड के थ्रू भी आप ग्लूटामाइन ले सकते हो, और कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनके थ्रू आपको ग्लूटामाइन मिलता है, तो बने रहे इस वीडियो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, डज इट हेल्प्स टू इंक्रीज द स्टेमिना, या डेफिनेटली। मैं इसको 1.5 मंथ से इसको ले रहा था, इसको ग्लूटामाइन को ले रहा था, और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी आप वर्कआउट करते हो, इसको वर्कआउट से पहले नहीं, इसको वर्कआउट के बाद मैं लेता हूँ, बिकॉज जब मैं हैवी इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करता हूँ, हैवी वर्कआउट करता हूँ, उस टाइम मेरे टिश्यूज टूटे होते हैं, तो मुझे उस टाइम ज़रूरत पड़ती है, ना कि वर्कआउट से पहले ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो मेरा इंटेंसिटी, मेरा स्टेमिना, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि स्टेमिना बढ़ा है कि नहीं। यस डेफिनेटली बढ़ता है, बिकॉज ये हमारे प्रोटीन की रेशो को और जो हमारे टूटे हुए फाइबर्स को, टिश्यूज को हेल्प करता है ग्रोथ करने में और मसल साइज बढ़ाने में। मसल साइज बढ़ता है बट स्टेमिना भी बढ़ता है। जहाँ पे मैं 10 रैप लगाता था वहाँ पे मैं 15 और 18 रैप लगाता हूँ, ठीक है। और क्या क्या सप्लीमेंट लेता हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, बट अभी मैं सिर्फ ग्लूटामाइन के बारे में ही बात कर रहा हूँ, जिसे एल ग्लूटामाइन बोलते हैं। और एल ग्लूटामाइन दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं ग्लूटामाइन के, एल ग्लूटामाइन एंड डी ग्लूटामाइन। डी ग्लूटामाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसे लीव करें। एल ग्लूटामाइन के बारे में आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ। सो मैंने ग्लूटामाइन से रिलेटेड वो पॉइंट्स यहाँ पे उठाए हैं जो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्चेबल होते हैं। सो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा और इम्प्लीमेंट कर लिया। मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद मैंने उसको खाया, और अपने पे इम्प्लीमेंट करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और ये सही है कि नहीं है। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट कितनी क्वांटिटी में लेना है। मैं नॉर्मली इसको 5 ग्राम लेता हूँ, ठीक है। मैंने सप्लीमेंट ये एल ग्लूटामाइन जो है वो वेट ट्रेनिंग के बाद, अपनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बाद मैं इसको लेता हूँ, एकदम से 15 मिनट्स के इंटरवल के बीच में, इंक्लूडिंग माय वे प्रोटीन, ठीक है। आप इसको दिन में भी ले सकते हैं। टोटल रेशो जो होती है इसकी वो होती है आपका जो वेट है 0.5 मल्टीप्लाई बाय पर केजी। आप 60 अगर आपका वेट है तो आप उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें, उतनी रेशो में आपको लेना होता है। एक तो ये बहुत तंग कर रहा था टांगों में, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर बिठाया। याद रखो, से हाई टू एवरीवन, से हाई टू एवरीवन, से हाई टू एवरीवन।
ठीक है। सो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी ग्राम हो जाता है, बट आपके फूड के थ्रू भी ये चीज़ आपको मिलती रहती है। पर एवरेज जो है सप्लीमेंट लेने का, जो एक्सटर्नल सप्लीमेंट L-glutamine है, वो 15 ग्राम ले सकते हैं आप एक दिन में, आपको फूड के थ्रू भी मिलता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कब लेना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दो हैं, जो एक वर्कआउट के बाद है और मॉर्निंग में है, तब आप ले सकते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नहीं कर सकते हैं अफोर्ड, वैसे तो बहुत सस्ता सप्लीमेंट होता है L-glutamine, इतना महंगा कॉस्टली नहीं है, बट फिर भी अगर आप नहीं कर सकते, फूड कौन से ऐसे फूड हैं जिनके थ्रू आपको ग्लूटामाइन मिलता है? आपको नट्स में ग्लूटामाइन होता है, ठीक है, बहुत कम रेशो में होता है, बट लोग नॉर्मली खाने के बीच में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये चीज़ें देखते हैं, बट इन चीज़ों के बीच में भी ग्लूटामाइन होता है। नट्स में होता है, वाइट राइस में होता है, बीफ में होता है, एग्स में होता है, ठीक है, कॉर्न्स में होता है, 100 ग्राम कॉर्न्स में ग्लूटामाइन होता है 16%, 0.4 पर ग्राम होता है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, आपको कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा शेयर की हुई अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। और अगर आपने मेरे को सोशल नेटवर्क चैनल पे भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर लाइक नहीं किया, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के सारे लिंक्स मैंने वहाँ पे डाल दिए। और किसी को भी किसी चीज़ के रिलेटेड क्वेरी हो, खाने से रिलेटेड, ठीक है, आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ मेरे को पूछे, आपको मैं डेफिनेटली कमेंट में रिप्लाई करूँगा। और अगर आप सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हो तो प्लीज़ उसको भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, और सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। और बाय बाय, बाय बाय टू एवरीवन। अब हम खेलेंगे जॉय के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।